हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज मैंने प्लान बनाया है इस्कॉन मंदिर जाने का, तो चलते हैं। मैं निकल चुकी हूँ अपनी फैमिली के साथ इस्कॉन मंदिर। तो गाइस, मैं पहुँच चुकी हूँ इस्कॉन टेंपल। अब यहाँ से मैं अंदर जाऊँगी। ये मेरी पीछे मेरी मम्मी है, बुआ है। गाइस, मैं मम्मी को ऐसी परेशान करती रहती हूँ बोल बोल के, तो इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें आप। तो गाइज़, हमने प्लान संडे को बनाया था, तो आप लोग संडे प्लान मत बनाइए, बहुत भीड़ होती है। बस जल्दी से दर्शन करके वो लोग निकाल देते हैं लाइन बना के, जिनके पास पास होता है वही बैठ के इंजॉय करते हैं। और ये मेरी छोटी सी गुड़िया रानी। गाइज, अंदर बहुत मज़ा आया था, मतलब अलग ही सुकून था। गाइज, हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिया, बहुत मज़ा भी आया। ये मेरी दोनों भाभियाँ, बहुत अच्छा लगा गाइज, मतलब बहुत भीड़ थी गाइस। संडे को बहुत भीड़ थी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो में। संडे मतलब अगर जाओ तो फिर लाइन में लग के आपको जल्दी निकलना पड़ जाएगा, इसलिए मे बी शायद ट्यूसडे को जा सकते हो आप। और हम बाहर निकल चुके हैं, बाहर कुछ ऐसा है टेंपल, धूप बहुत तेज़ थी तो हम जल्दी जल्दी निकल रहे थे। तो गाइस, हमने दर्शन बहुत अच्छे से किया, बहुत इंजॉय किया। और अब हमें लग रही है भूख, क्योंकि हम मॉर्निंग के निकले हुए हैं। तो चलते हैं लंच करने। मंदिर में ही अंदर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे लंच स्नैक्स वगैरह सब कुछ है, तो हमने सोचा यहीं पे खा लेते हैं, तो अंदर गए। तो गाइस, हम लोग अंदर आ चुके हैं। रेस्टोरेंट कुछ ऐसा है, काफ़ी अच्छा और बड़ा था, मतलब रेस्टोरेंट तो ओवरऑल अच्छा था। और ये देखिए मेरी गुड़िया रानी को कैसे सुला दिया टेबल पे उनके मामा जी ने। खैर, तो हमने डिसाइड किया कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो मेन्यू आ चुकी है, इसमें काफ़ी कुछ था गाइस। बट गाइस, अगर आप लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो यहाँ ट्राई नहीं करिए, क्योंकि हम लोग लहसुन प्याज खाते हैं तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा खाना। बाकी सब बहुत अच्छा था, मंदिर के अंदर बहुत मज़ा आया। तो भूख लगी थी, इस वजह से हमने कुछ ऑर्डर कर लिया अपने लिए। तो गाइस, तो हमने शुरुआत किया सॉफ्ट ड्रिंक से, वो हमारी आ चुकी है मम्मी और बुआ। छाछ और लस्सी मंगाया उन्होंने, तो एंजॉय करते हुए। यहाँ मैं रेस्टोरेंट के हिसाब से रेटिंग प्लेटिंग कर रही हूँ, 200 से लेके 800 तक की प्लेटिंग। तो सबने बहुत एंजॉय किया, थोड़ा वही लहसुन प्याज का इशू था, बाकी सब गुड गुड था। तो गाइज़, हमारा लंच भी हो चुका और हम अब जा रहे हैं अपने घर। तो आप लोग भी विज़िट कर सकते हैं गाइज, बट संडे का प्लान ना बनाएं क्योंकि बहुत भीड़ होता है। तो यहाँ पे भैया रेटिंग दे रहे हैं, सब लोग अपना अपना रिव्यू दे रहे हैं रेस्टोरेंट की, टेंपल की। तो सच बताऊँ गाइज, किसी को भी खाना अच्छा नहीं लगा, बस भाभी को अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने सजेस्ट किया था, इसलिए उनको कहना पड़ा कि मुझे अच्छा लगा। और हाँ गाइस, उस रेसिपी में एक बनारसी दम आलू था, समझ नहीं आया क्या था बट नाम था बनारसी दम आलू, मतलब कुछ भी। तो गाइस, अब हम निकल चुके हैं घर के लिए, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो घर जाके अब रेस्ट करूँगी। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर राधे राधे लिख के जाना। राधे राधे गाइस, बाय बाय।